अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। रमज़ान का पहला अशर ख़त्म हो चुका है और अभी बूढ़े हो गए यार। इधर आगे इधर करना, जरा जुड़िया आ गई है। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ अलहजी? अभी हम जा रहे हैं, ये उस्मान नज़ीर भाई ने बताया कि सेल लगी हुई है अलमाटी में, और ये भाई भी हमारे साथ हैं। इन्हें हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली चलना फिरना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आ गए लीडर हैं। है भाई, एटीट्यूड तो होगा ना थोड़ा सा। तो उस्मान नज़ीर भाई ने बताया कि एक जगह सेल लगी हुई है, तो हमें लाजमी जाना चाहिए। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, जाके देख आते हैं। वैसे ही मैंने एक दो मैंने टी शर्ट्स देखनी थी। मैंने 10 बजे का कहा था, अब खत्म हो गई तो मेरा भी वास्ता नहीं जी रहा। नहीं, 10 बजे का नहीं, आपने कहा था जब उठो तो मुझे भी जगा देना। लेट गाइस, हम वहाँ पहुँच के बाकी का व्लॉग आपको शूट करके दिखाएंगे। तो ये नहीं करेंगे, होती हम है करेंगे। इनको नहीं आ रहा ब्लॉगिंग, इनकी सही नहीं आ रही। बहुत कम रिव्यूज आ रहे हैं। क्या रिव्यूज आ रहे हैं सर? हम शूट करेंगे आज का व्लॉग, इट्स ओके इट्स कम ओके। करेंगे। भाई ने काश्ती में पैसे ढलवाने थे, तो पहले हम यहाँ आए हैं। गाइस पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं, अभी हम यहाँ जा रहे हैं। हमें ये देखने में अच्छा लग रहा था, तो सिर्फ इसलिए। ये फ्यूचर की वर्ल्ड है, यहाँ से इसमें जाना तो हमें फ्यूचर में चले जाना। वाओ नाइस थ्योरी। खैर जाके देखते हैं कि क्या बला है। इसके पीछे बहुत खूबसूरत पहाड़ों का मंजर है, लेकिन अभी धूप की वजह से वो पहाड़ जो है वो क्लियर नजर नहीं आ रहे। बस देखें कितनी प्यारी साफ सुथरी जगह है। और अगर ये जगह पाकिस्तान में होती, यहाँ पे आपको जूसों के डिब्बे, लेस के पैकेट, और ये देखें ये भी सारी साफ है अंदर से। तो थोड़ा सफाई का ख्याल रखा करें। पाकिस्तान आके मुझे एक दफ़ा हार्ट अटैक लाजमी आना है सफाई वाला। गाइस ये देखिए बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, हमारा भी दिल कर रहा है। देखते हैं वो दुकान जहाँ सेल लगी है, डिफैक्टो पे, वो सामने ही है डिफैक्टो। जो भी है, व्हाट एवर व्हाट एवर दिस इज डिफैक्टो व्हाट एवर। गाइस पिछली दुकान पे सिर्फ लंडा था, यहाँ पे सिबगत भाई शूज़ देख रहे हैं। सिबगत भाई पसंद है आपको? एक तो इसका नखरा बहुत है यार, क्या करे बंदा। उस्मान भाई ने थोड़ी सी शॉपिंग की है। उस्मान भाई ने एक बैग लिया है। उस्मान भाई ने सॉक्स के पेयर लिए हैं, और मैं अपने फ़ोन का कवर चेंज किया है, और स्क्रीन का जो ऊपर लगा हुआ था ग्लास वो चेंज किया है। वो पहले मैट में लगा हुआ था ऊपर, तो उससे कलर नहीं सही आते थे, तो अब मैंने सिंपल लगा लिया। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। बस यही थी हमारी यहाँ पे शॉपिंग, इतनी सी। उस्मान भाई कह रहे थे सेल लगी है, सेल में चीज़ें नॉर्मल सी थी, पसंद नहीं आई किसी को। सो व्यू चेक करें कितना प्यारा है। देखिए कितना प्यारा बर्ड है, मैंने दूर से जूम किया हुआ है, शायद आपको क्लियर ना नज़र आ रहा हो। एंड ये देखें इन पत्तों से आती हुई धूप कितनी प्यारी लग रही है, गोल्डन गोल्डन। कितना सुकून है यार इस जगह। खैर गाइस वापस भी जाना है, मैं आगे निकल रहा हूँ, बाकी सब पीछे मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन मुझे जगह बहुत पसंद आई है और यहाँ सुकून भी बहुत है। मैं वहाँ आगे पहाड़ देखने जा रहा था, लेकिन आगे दरख्त ही दरख्त हैं, तो उसकी वजह से उनका व्यू ब्लॉक्ड आ रहा है। और दूसरी वजह ये है कि धूप निकली हुई है,
तो धूप में उनकी जो क्लियरली नज़र नहीं आ रही, यानी कि वो धूप की वजह से। तो फिर किसी दिन इंशाल्लाह शाम टाइम आएंगे या फिर सुबह टाइम आएंगे, तो तब देखेंगे इस जगह को दोबारा कभी इंशाल्लाह। अभी आगे से घूम के वापस आ रहे हैं हम, लेकिन शिवगत वहीं का वहीं बैठा है, वो देखें। गाइस ये व्यू चेक करिएगा ज़रा। ये देखें देखें, गाइस इस जगह का नाम अताकंत है, अताकंत। और मैं इस टाइम अताकंत पार्क में, इससे पहले हम जिस मॉल में गए थे वो अताकंत मॉल था। तो अभी मैं इस पार्क में देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पहाड़ों का बड़ा प्यारा मंजर नज़र आता है, और दूर से टोटल इर्द गिर्द देख लो तो लश ग्रीन हर तरफ। और अभी बाहर के दिन है, धूप निकली हुई है, तो बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये देखें आप, ये जगह भी कितनी प्यारी है, बिल्कुल फॉरेस्ट जैसी वाइब आ रही है इस जगह पे। लेकिन यहाँ आवाम है, इंसान घूम फिर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और इन दरख्तों के पीछे हर जगह पहाड़ी पहाड़ हैं, तो लेकिन दरख्तों की वजह से वो क्लियरली नज़र नहीं आ रहे। और एक और दूसरी वजह ये है कि इस टाइम धूप निकली हुई है, तो उसकी वजह से भी वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे। तो बस यहीं से मैं वापस जाता हूँ, तो फिर किसी दिन आएंगे यहाँ वापस इंशाल्लाह। गाइस फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और वापस जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। असर की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर अफ्तारी करेंगे। अफ्तारी आज हमारी मैकडोनल्ड, मैं बता रहा था अफ्तारी हमारी आज मैकडोनल्ड है, सो स्टे ट्यून्ड। इतने तेजस्वी लोग हैं कजाकिस्तान के, क्या क्या दुकानें पाई जाती हैं गाइस, पढ़ के सुनाओ समझा। ये है अताकंत एक्सपो और अभी हम जा रहे हैं वापस। अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड, 7:05 हो गए हैं, 15 मिनट बाद रोज़ा खुलेगा। तो अफ्तारी आज हमने कहा कि मैकडोनल्ड करते हैं और रात को चावल बनाएंगे। गाइस ये कैटो मिली है हमें रास्ते में, देखिए कितनी प्यारी है। जया भाई इसके खाने के लिए लाए हैं कुछ शॉप से, तो उसे वो दे रहे हैं। कंटिन्यू यार। आइज देखें कितना प्यारा सनसेट हो रहा है, लेकिन सन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सेट सेट ही नजर आ रहा है। तो लेकिन ये रंग बता रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं मैकडोनल्ड की तरफ। ये देखें वो लगता है कि गाड़ी लग गई है उनकी। गाइस ये देखें ये ऑर्डर दे रहे हैं, चल पढ़ाने में 1-2 मिनट थे और रोज़ा खुल गया, तो जया भाई के पास M&M's थे, ऑर्डर आ गया हमारा, तो हमने इससे रोज़ा खोल लिया। अब हम ऑर्डर देने जा रहे हैं। गाइस ये हमारा ऑर्डर आ गया, अभी हम इफ्तारी करेंगे। 2 फ्राइज़ हैं, 4 बर्गर हैं और कोक है। गाइस एक एक बर्गर खा कर तो पेट नहीं भरा था, इसलिए हमने एक एक और बर्गर मंगवा लिया। अभी हम मैकडोनल्ड से निकले हैं, वो देखें चंदा मामू। तो रात अभी तो अंधेरा छा रहा है, अभी हम चल रहे हैं मैक्सी की तरफ, चिकन लेना है, चावल बनाने हैं सैरी के लिए।
में आप फ्रेंड्स, मैंने आपको बताना भूल गया कि उसके बाद हम कॉफ़ी पीने आए थे, अब तो मैंने आधी पी ली है, तो अभी हम चिकन लेने जाएंगे इसके बाद। इस चिकन लेने आ गए हम, ये सब वाले पैसों में से लेना। हाँ बस ठीक है, सब वाले पैसे गाइस, ये सब वाले पैसे हम आपको किसी और दिन बताएंगे। गाइस चिकन को आज गया ही नहीं, फ्रेश चिकन, फ्रेश चिकन नहीं गया, कल हमने उसको खाया था, यहाँ पड़ा था उसने, मुझे आज नहीं पता ये पड़ा। चिकन फ्रेश नहीं है, ये खत्म हो गया है, ये आखिरी एक दो पीस पड़े हैं, ये भाई विंग्स है और ऊपर थाइस है। अब हमें फ्रोजन निकालना पड़ेगा। चेस्ट लेना। और गाइस ये बिल हो रहा है हमारा अब। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं त्रावी पढ़ आया हूँ और अभी यहाँ रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन अभी चावल बनाने हैं, सैरी में खाने के लिए नहीं कुछ बना हुआ, तो लेकिन हमारा पोर्ट नीचे गया हुआ है, तो अभी वो ज़्यादा लेने क्या है, वो टाइम लगेगा थोड़ा, वो भाई बाहर हैं, तो अभी मैं प्याज वगैरह काटूंगा, जहाँ के चिकन काटेगा, फिर चावल बनेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर वीडियो एंड हो जाएगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, ठीक है। बने हमारे चावल, ये है उनकी लुक, ये देखिए, और ये हो रहा है उनका सफाया, सुबह सैरी भी हमने इसी की करनी है। होती है किसी अगली वीडियो में मुलाकात, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मेरे हाथों में चावल लगे हुए, मैं चावल खा लेता हूँ।